हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए कंपैरिजन लेके आए हैं ह्यूंडई क्रेटा और टाटा नेक्सॉन के बीच में। दोस्तों ये जो आज का हमारा कंपैरिजन होने वाला है, ये दोनों गाड़ी के सेकंड टॉप मॉडल के बीच में होगा, जहाँ पर ये वीडियो बनाई जा रही है हमारी एक सब्सक्राइबर भाई की रिक्वेस्ट पे। इनका नाम है आदित्य गुप्ता। दोस्तों आज के इस कंपैरिजन में हम क्रेटा का सेकंड टॉप मॉडल लिए हैं, जिसका नाम है SX डीजल 80 मॉडल। दोस्तों अगर ये आप गाड़ी लेने जाएंगे तो ये आपको 18,53,000 रुपये में पड़ेगी। वहीं हमने टाटा नेक्सॉन का लिया है XZA+AMT मॉडल, जिसकी कीमत है 14,54,000 रुपया। दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लेने के लिए होगा सही, और अगर आप इनका लोअर वेरिएंट भी लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे आज आपकी आंखें खुल जाएं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हमेशा की तरह डायमेंशन एंड कैपेसिटीज के साथ। और अगर चैनल पहली बार आ रहे हैं तो यार क्या सोच रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए ना ये ऑटो कंपेयर को और दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि ऑटोमोबाइल दुनिया की जगत से जुड़ी हुई खबरें आपको सबसे पहले जानने को मिल जाए। शुरुआत करते हैं दोस्तों डायमेंशन के साथ। अगर हम लंबाई की दोस्तों बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जान लेना चाहिए, क्लियर कर दूं, क्रेटा दोस्तों ये एक मिड साइज SUV है और जो नेक्सॉन है ये एक सब 4 मीटर SUV डिज़ाइन गाड़ी है। जहां पर अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई के मामले में क्रेटा ज़्यादा लंबी गाड़ी है एज़ कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन। दोस्तों यहाँ पे आपको क्रेटा के अंदर 307 mm की ज़्यादा लंबाई, चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो आपको 21 mm की ज़्यादा चौड़ाई आपको नेक्सॉन में, और ऊंचाई की बात करें तो 29 mm की आपको ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिल जाती है क्रेटा में। ओवरऑल दिखने में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, तो हम साफ साफ कहेंगे क्रेटा ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। दोस्तों बात करिए बूट स्पेस की, तो क्रेटा में आपको देखने को मिलता है 433 लीटर का बूट स्पेस और टाटा की नेक्सॉन में आपको देखने को मिलेगा 350 लीटर का बूट स्पेस। दोस्तों दोनों ही गाड़ी SUV मॉडल है। अगर आप बात करें कौन सी गाड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो प्रैक्टिकली बात करें तो क्रेटा ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, और इसका रीज़न भी यही है कि ये दोस्तों एक मिड साइज SUV है और नेक्सॉन सब 4 मीटर SUV है। यहाँ पर सनरूफ की बात करता हूँ तो क्रेटा में आपको इस मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है, और टाटा नेक्सॉन में आपको नॉर्मल सनरूफ देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर इंजन्स की तरफ। दोस्तों आपको क्रेटा में देखने को मिलता है 1.5 लीटर का CRDI डीजल टर्बो इंजन। ये जो कंपैरिजन है दोस्तों डीजल इंजन के बीच में है, बता देता हूँ। दोस्तों ये जो इंजन है 1493 cc के डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन में आती है। ये इंजन जनरेट करती है पावर 113 bhp का विद टॉर्क ऑफ 250 Nm टॉर्क, और ये 6 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, और इस गाड़ी में आपको गियर शिफ्टिंग पैडल्स भी देखने को मिल जाएंगे, हालांकि ऑटोमेटिक गाड़ी है। बात करें टाटा नेक्सॉन की दोस्तों इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर का रेवट्रॉक डीजल इंजन। दोस्तों एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, ये दोनों ही इंजन टर्बोचार्ज इंजन है। दोस्तों ये इंजन जनरेट करती है पावर 1497 cc का, और ये एक 4 सिलेंडर इंजन है। दोस्तों ये गाड़ी पावर जनरेट करती है 108 bhp का विद टॉर्क ऑफ 260 Nm टॉर्क। दोस्तों ये भी गाड़ी 6 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, हालांकि इस गाड़ी में कोई गियर शिफ्टिंग पैडल्स नहीं देखने को मिलते हैं। दोस्तों दोनों ही गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल और 3 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर आप इंजन को साइड बाई साइड कंपेयर करें तो किसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है, तो वो है क्रेटा का। लेकिन न्यूटन मीटर के मामले में जो टॉर्क होता है, इसमें 10 mm का आपको जरूर ज़्यादा टॉर्क देखने को मिल जाता है नेक्सॉन में। ओवरऑल प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी बड़ा है दोनों गाड़ियों के बीच में, लगभग 4 लाख रुपये का डिफरेंस है। तो प्राइस डिफरेंस के हिसाब से अगर हम इंजन कंपेयर करें तो दोनों का सेम ही है, ज़्यादा कोई बड़ा फर्क में से नहीं कहता हो। दोस्तों बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम के मामले में, दोस्तों क्रेटा में आपको देखने को मिलता है 10.24 इंचेस का टच स्क्रीन डिस्प्ले, जो कि एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले सपोर्ट से आती है, और इस गाड़ी में 4 स्पीकर देखने को मिलता है, और ये ब्लू लिंक ऐप कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है। वही बात करें हम लोग टाटा नेक्सॉन, इसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलता है 7 इंचेस का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ आती है। और दोस्तों इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे 8 स्पीकर्स, जहां आपको क्रेटा में देखने को मिले थे 4 स्पीकर, और इस गाड़ी में आपको ईरा कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छा इंफोटेनमेंट दिया गया है, तो हम कह सकते हैं जरूर 8 स्पीकर अधिक है यहां पर आपको, यहां पर नेक्सॉन में तो ज्यादा बेहतर हमें नेक्सॉन लगता है। लेकिन एक बड़ा टच स्क्रीन वाला जो सपना होता है वो क्रेटा में आपका पूरा कर देता है। ओवरऑल इंफोटेनमेंट में ऊपर नीचे दिखा दे रहा हूं, किसका आपको ज्यादा पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों बात करें कंफर्टेबल फीचर्स, अगर एसयूवी है कंफर्ट चाहिए तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा सही रहेगी। दोस्तों सबसे पहले आपको वो फीचर बताऊंगा जो कि दोनों गाड़ियों में सेम दिया गया है, उनका नाम है ऑल पावर विंडोज, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट ट्रंक ओपनर, ट्रंक लाइट, रियर इवेंट, नेविगेशन सिस्टम, स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री, USB चार्जिंग आपको क्रेटा में आगे पीछे दोनों तरफ देखने को मिलता है, नेक्सॉन में सिर्फ फ्रंट में आता है, वॉइस कंट्रोल, टेलगेट अजार, लेन चेंज इंडिकेटर, AC हीटर, कीलेस एंट्री, ये सारी फीचर आपको दोनों गाड़ियों में दिए जाएंगे। दोस्तों बात करें यहाँ पर आपको नेक्सॉन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि फैंड माई कार लोकेशन, स्मार्ट की बैंड और रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग।
दोस्तों अगर हम फीचर्स की से बात कर रहे हैं तो दोनों गाड़ियों में काफी अच्छा फीचर दिया गया है। आपको क्रेटा में पीछे की तरफ रियर रीडिंग लैंप देखने को मिल जाती है, क्योंकि क्रेटा एक लंबी गाड़ी है तो इसमें जरूरत लगेगी। लेकिन नेक्सॉन में ये चीज नहीं दिया गया है, क्योंकि नेक्सॉन एक सब 4 मीटर डिजाइन की गाड़ी है, तो शायद इसकी जरूरत मुझे नेक्सॉन में नहीं लगती है। ओवरऑल फीचर वाइज दोनों में बहुत अच्छे फीचर दिए गए हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल यूसेज में कोई आपको कमी नहीं महसूस करेंगी दोनों गाड़ियों में। अब दोस्तों बात करें सेफ्टी के मामले में, आखिर कौन सी गाड़ी है ज्यादा सुरक्षित। तो सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं सेफ्टी रेटिंग्स को बताता हूं। दोस्तों ह्युंडई क्रेटा का जब 2015 में सेफ्टी रेटिंग हुआ था लैटिन एनकैप पे, तो इसे मिले थे 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। हालांकि 2015 के बाद कोई भी सेफ्टी रेटिंग डिटेल्स नहीं निकल के आई हैं जो कि क्रेटा के बारे में हम कह सके। तो ओवरऑल हम यही मानते हैं कि क्रेटा 4 स्टार रेटेड गाड़ी है। और ही बात करें टाटा नेक्सॉन की, दोस्तों ये है भारत की सबसे सुरक्षित एसयूवी जिसको मिले हैं 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग। और इसे टाटा ही नहीं, हम भी कहेंगे जरूर कि ये टैंक की तरह बनी है, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रूफ है। आपके पास ग्लोबल एनकैप की सिक्योरिटी सेफ्टी टेस्टिंग रेटिंग का रिजल्ट आ रहा है। ओवरऑल आते हैं कंक्लूजन पर, अगर आपकी ज़रूरत एक लंबी गाड़ी है, एक स्टेटमेंट होती है इंडिया में कि भैया वर्मा जी ने खरीदी है लंबी गाड़ी, अब शर्मा जी भी लेंगे, तो इस मामले में मैं कहूँगा यार क्रेटा बड़ी लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पैसे 4 लाख रुपए आप अधिक दोगे क्रेटा के लिए यही सेम चीज देखने के लिए फीचर्स और पावर के। हालांकि पावर में 5 BHP का फर्क है दोनों के बीच में, लेकिन टॉर्क की बात करें टॉर्क यहां पर नेक्सॉन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। ओवरऑल अगर आप मेरी नजर में देखें कौन सी गाड़ी आपके लेने के लिए होगा सही, तो अगर आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए तो आप जरूर क्रेटा की तरफ जाएं। पर हाँ 4 लाख रुपए आप अधिक लगाएंगे ये बात नोटिस कर लीजिएगा, और थोड़ी सी फीचर्स अधिक है क्रेटा में, क्योंकि 4 लाख रुपए दे रहे हो तो हराम करने ना दोगे। नेक्सॉन की बात करूं तो ये एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, सब 4 मीटर डिजाइन है, किसी भी रास्ते से निकल सकती है, मेड इन इंडिया गाड़ी है, 5 स्टार की सर्टिफाइड ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग है, इंडिया की सबसे सुरक्षित गाड़ी आप चला रहे हो, और सारे फीचर आपको 4 लाख रुपए सस्ते मिल जा रहे हैं, क्या चाहिए अब। ओवरऑल एक बार फिर से ऑन रोड प्राइसिंग आपको बताते हैं, यहाँ पर क्रेटा के लिए एसएक्स डीजल 80 में देना है 18,53,000 रुपये, प्राइस अप डाउन हो सकते हैं शहर के हिसाब से आपके। और नेक्सॉन के लिए देना है XZA+0AMT मॉडल, ऑप्शनल AMT मॉडल, जिसके लिए देना है 14,54,000 रुपये। ओवरऑल ये मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ कौन सी गाड़ी आपको पसंद आ रही है। कुछ लोगों को क्रेटा पसंद आ रही है और क्रेटा सच में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है, तो वहीं कुछ लोगों को नेक्सॉन पसंद आती है क्योंकि गाड़ी मुझे दिखने में बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लगती है। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे कौन सी गाड़ी लेने के लिए सही होगा सही, तो अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी बजट गाड़ी एक मजबूत गाड़ी लेना चाहते हैं जिसमें आपको सब कुछ प्रूफ देखने को मिले, तो नेक्सॉन अच्छी रहेगी, और बड़ी गाड़ी का सपना है तो क्रेटा तो है ही। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपनी फेवरेट गाड़ी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।